वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. तो जाहिर बात है आप उसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल करते हो जो आप किसी बाकी के लिए नहीं करते हो। इटली का इंडिया के अंदर विजिट करना, इटली के लिए इंडियन स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीजा, जैसे कि नॉन सीजनल भी ऐसे टाइम होता है जिसमें जो ऐसा वर्कर जो सिर्फ सीजनल काम करता है और नॉन सीजनल दौरानिए के लिए उसको वापस आना पड़ता है, वो भी स्टे कर सकता है। इंडियन स्टूडेंट भी जो है फ्री स्टे कर सकते हैं वीजा की फीस भरे वगैरह। तो ये जो चीजें हैं एक्चुअली ये इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी शो करती हैं, और जहां तक मैं इस सब चीजों को देख रही हूं ये एक ही पर्सन का कमाल है, वो है मोदी साहब। इतना अच्छा उन्होंने सबके साथ अपना दोस्ती रखी है, और ये कहते हैं ना जो आपकी जुबान होती है ना वो बला भी है और कला भी है। मतलब अगर के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी थी, अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है, वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना वो यहाँ पर पूरा एक साल ऐसे ही रह सकते हैं। पाकिस्तान ने तीन जंगें लड़ी हैं और तीन जंगों में नुकसान उठाने के अलावा कुछ नहीं किया, और बस हमें अब चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ सुलहजुई का रास्ता अख्तियार करें। इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन जाएगा जो 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। हमारे मुल्क को पता नहीं किसकी नजर लग गई, हमारे हमसाए चांद पर पहुंच गए। दुनिया को कहते हैं कि आटा नहीं, वो कहते हैं एटम बम। खो है ना तुम लोगों के पास। इंटेलेक्चुअल्स हैं, आलमे दीन हैं, उनको कुछ होश के नाखून लेने पड़ेंगे और अपनी आवाम की जहन साजी करनी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोप के प्रवेश द्वार इटली में भारतीयों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। भारत और इटली ने हाल ही में प्रवासन और मोबिलिटी समझौता किया है। भारतीय कैबिनेट ने बुधवार को इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इटली के साथ हुए इस समझौते में यहां द्विपक्षीय समझौते मजबूत हो गए, वहीं अवैध तरीके से होने वाले प्रवासन पर भी रोक लगी। इस समझौते के तहत सीजन और गैर सीजन के लिए भारतीय वर्कर्स का कोटा निर्धारित किया गया है। गैर सीजनल वर्कर्स के लिए इटली ने साल 2024 के लिए 6,000 और वर्ष 2025 के लिए 7,000 का कोटा तय किया है। इस समझौते से भारतीय स्टूडेंट्स को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। गैर सीजनल वर्कर्स के लिए कुल रिजर्व कोटा 12,000 तय किया गया है, वहीं सीजनल वर्कर्स के लिए कुल कोटा 8,000 का तय किया गया है। भारतीय छात्र जो अपनी स्टडी या वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद कुछ समय के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, यह समझौता उन्हें 12 महीने तक वहां रहने की अनुमति देता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारतीयों को वेलकम किया जा रहा है और हमें यूरोप से बाहर फेंका जा रहा है, जिसका हमें डर है कि ये चीजें मगरिब में अब मजीद होंगी। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ेगी, उसके पीछे ऑब्वियसली मुसलमानों के कुछ रवैये हैं जिनको बदलने की जरूरत है, लेकिन जो मुसलमानों के जो लीडर्स हैं, जो आलम दीन हैं, वो इसमें बजाय इसके कि अपनी आवाम की सोच को आगे लेके जाएं बल्कि उनको उभार रहे हैं, भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमानों के जो डायस्पोरा जो मगरबी मुल्कों में रहता है और जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइल और फलस्तीन का भी इशू हुआ है, उसके ऊपर पूरी दुनिया में मुसलमानों ने खूब इस बात को मलहूज़े खातर लाए बगैर कि उन मुल्कों के लोकल कल्चर्स क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका यहूदियों के साथ रिलेशनशिप क्या है वगैरह वगैरह, और उनकी वैल्यूज क्या हैं, उसको इग्नोर करके अपनी जो वैल्यूज हैं उनको, अपने जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं उनको थोप रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों में मुसलमानों के खिलाफ पहले खौफ आ रहा है और ऑब्वियसली जो बुगी मैन है वो पहले मुसलमान ही होगा, और उसके बाद जो रेसिज्म है वो मजीद फैले, क्योंकि पहले लोग अपने अपने मुल्कों में रहते थे, मल्टी कल्चरलिज्म इतना नहीं था, तो जंग मुल्कों की जंगें होती थी, सिविलाइजेशंस की जंगें होती थी, लेकिन चूंकि अंग्रेज थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गए बाकी दुनिया की निस्बत, उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए इस बात को सोचे समझे बगैर के जब दूसरे कल्चर के लोग आते हैं तो उसके बाद आपकी सोसाइटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी एक वीडियो नजर से गुजरी जिसमें एक अंग्रेज है, लगता है वो थोड़ा ज्यादा व्हाइट सुप्रीमेसी की तरफ शायद ज्यादा हो, लेकिन जाहिर बात है वही लोग पहले बोलेंगे, जो बीच के लोग हैं वो तो इग्नोर करते हैं इस तरह की।
चीजों को, लेकिन डर यह है कि जो बीच के लोग हैं वो राइट की तरफ जाएंगे, यानी अपनी कौम परस्ती की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे मुसलमानों का रवैया है। अब हमने देखा है झंडे लगा रहे हैं, अब इंग्लैंड में फलस्तीन के झंडों की क्या तुक है, क्या लॉजिक है इंग्लैंड का, उससे क्या लेना देना। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनकी हुकूमत की जो सर्टन पॉलिसी है ज़ायनिज्म या इसराइल को लेकर आपको एक शिकवा है, लेकिन अब आपके ऊपर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी तो इंग्लैंड के शहरी हैं, तो आप भी ये जो काम कर रहे हैं झंडे लगाना और उसके नतीजे में जो लोकल अवाम है उनको, उनकी वैल्यूज को उनको चैलेंज करना एक गैर सियासी तरीके से, ठीक है आपने अपने एहतजाज किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, अपनी सोच दिखाई है कि इंग्लैंड और इन मुल्कों में एक मुसलमानों की पॉपुलेशन है, जो इन मुल्कों की इसराइल की तरफ पॉलिसी वो उससे खुश नहीं है, आपने वो कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें आपका भी दोहरा मियार नजर आता है कि आप हमास को क्रिटिसाइज उस तरह नहीं करते जिस तरह आप इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक बैलेंस की जरूरत है। लेकिन चले तो अब झंडे लहरा रहे हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर रहे हैं, डेसिक्रेट कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन निकलेगा जरूर, अभी उस तरह नहीं निकल रहा रिएक्शन, लेकिन निकलेगा जरूर। बात करें 35 to 36 कंट्रीज ने पहले इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी थी, अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है, वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना वो यहाँ पर पूरा एक साल ऐसे ही रह सकते हैं, कोई वो नहीं करना पड़ेगा, एक साल पूरा वैसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है, उसके अलावा उनको जब पैसे उनके देंगे भी उनको वीजा नहीं मिलता, बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते सर, क्या फर्क है हम दोनों ममालिक? इसलिए कि हमने अपनी जो उसमें बेस है ना वहाँ उधर से हट गए हैं, और हम हमारे हर आदमी की थिंकिंग है वो ये है कि जैसे चले जाएँ वापस ही ना आए, और वो तो लोग हैं ना वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, तो अगर जाते भी हैं तो वो कुछ ना कुछ करके अपने मुल्क के लिए करते हैं और उधर इंटरेस्ट अपने मुल्क से लेते हैं, उससे अपना लिंक जो है ना वो तोड़ते नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, जैसे बहुत से स्टूडेंट जाते हैं यूके में वगैरह में और उधर जाके स्टूडेंट वीज़े पर जाके उधर काम करते हैं, उसमें उधर से और स्कैप हो जाते हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों ऐसा करते हैं, हिंदुस्तानी भी तो स्टूडेंट है ना, उतनी एज उतना सब कुछ, लेकिन वो नहीं करते। जी जी, इसलिए कि 80s से पहले वो हमारे बहुत पीछे था इंडिया, 80s के बाद उसमें रेजोल्यूशन आई है और उसमें से उन्होंने बहुत सारी उनके मुल्क में उन्होंने बहुत बूस्ट किया है, हमारे मुल्क वो बूस्ट की बजाय हम उसको हम डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं, और इसलिए उनको पता गया हम उधर जाके करेंगे क्या, कि पाकिस्तान में करेंगे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टर है वो भाग गया, जो आया भाग गया, जो आने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उनके मुल्क में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया, मतलब हालात ऐसे किसने किए? हमारे पॉलिटिशियन। और वहाँ पे किसने संवारा मुल्क को, इंडिया को? उनके पॉलिटिशियन ने। इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन जाएगा जो 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। क्या राय रखते हैं आप लोग, कितना बेनिफिशियल हो सकता है इसरो का ये इनिशिएटिव आने वाले टाइम में इंडिया के लिए? और इंडिया जो है हमने देखा कि इकोनॉमी वाइज भी आगे आ रहा है, पॉपुलेशन के लिहाज से पहले ही टॉप की लिस्ट में है, हर चीज़ में ग्रो कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसरो ने भी ठान ली है कि नासा को और इन तमाम जो है ना जो लोग काम कर रहे हैं उस पर सेटेलाइट्स पर, उनको पीछे छोड़ना है। किस तरह देख रहे हैं उनका ये इनिशिएटिव और कितना बड़ा रोल है इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट और इसरो की टीम का? इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, और जब आप पावर को आप जब एक ग्रोइंग पावर हो, इकोनॉमिक ग्रोइंग पावर हो, तो आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसी हरकतें ना हो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्योंकि तो जैसे फ्लैग वगैरह वो कर रही है ज्यादातर कंट्री में ना, इसीलिए बैन हुआ है कि ये उल्टा सीधी हरकतें करते हैं, वहाँ जाएंगे वहाँ पर प्रोटेस्ट करने जाएंगे, बर्मिंघम में कौन सा है वहाँ पर इनको भत्ता मिलता था ना, वो सर वो क्या है कुछ इंग्लैंड ने कह दिया उस शहर को कि भैया अपने आप करो, इतना कर्जा हम नहीं दे सकते, अब तो मैं बैंक करप्ट हो गया वो शहर ही। इस तरीके से जब तक देश की तरक्की की चाह नहीं होगी ना, तब तक वो देश तरक्की कर नहीं सकता, और वो तरक्की आम आदमी कहते हैं मैं तो तरक्की चाहता हूँ, कैसे हो जाएगी जब तक कि जो पॉलिटिशियन है वही नहीं,
वो तरक्की चाहते हैं, उनको ये पता तरक्की करना क्या है, जब देश लूटने वाला होता है आईएमएफ तैयार है, दे देगा पैसा, आपकी जुबान होती है ना, पैसे से कुछ कला भी है और कला भी है, मतलब अगर जुबान को कला के तौर पर इस्तेमाल करेंगे आपको बड़े फायदे होंगे, लेकिन अगर इसी जुबान को एग्रेसिव नफरत हेट फैलाएंगे। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।